हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हेलो, लोगों ने पहचाना ही नहीं होगा। क्यों नहीं पहचाना? कितना तो हैंडसम लग रहा हूँ मैं। हाँ, बहुत हैंडसम लग रहे हो। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ मेरे बेबी के लिए क्या आलू और पूरी। सो आलू और पूरी बनाने जा रही हूँ। और ऑब्वियसली जैसे आप लोगों की भी बहुत रिक्वेस्ट चाहिए कि आप डिफरेंट डिशेस बना के दिखाओ ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं आलू पूरी आप लोगों को बनाने सिखाऊंगी। सिखाने की जरूरत नहीं, वैसे सभी को आता होगा, लेकिन मेरे अपने तरीके हैं। मैं कुछ भी करती हूँ वो रैंडम करती हूँ, और मैं वो बिल्कुल नहीं करती हूँ जो बाकी लोग करते हैं। सो मतलब जैसा तरीका एक्चुअली होता होगा शायद मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँ, बट दिस इज हाउ आई मेक माय सब्जी भाजी। सो आप लोग तैयार हो हमारे साथ आलू पूरी खाने के लिए? तैयार हो ना, आ जाओ। और मैं आपको बता दूं कि आलू पूरी बनाने के लिए सबसे पहले अपना मेकअप करना बहुत जरूरी है, ताकि आप बहुत बुरे ना दिखो कैमरा में। मैं बिना मेकअप के आ जाती हूँ। दिस इज सो बैड, सब लोग बोलते हैं, लेकिन बट हाँ, दिस इज हाउ आई एम। देखो, जब आप स्क्रीन पे होगे और शूटिंग कर रहे होगे तो मेकअप लग ही जाता है, ठीक है। आज मैंने थोड़ा बहुत फिर भी मेकअप कर लिया आप लोगों के लिए। कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? चलो, आई एम ऑल सेट। तो जैसे आपको बता देती हूँ, मैं आलू पूरी के लिए सब कुछ तैयार है। मेरी चीजें चाहिए हमें थोड़ा सा अदरक, लहसुन, टमेटोज एंड थोड़ा सा हरी मिर्च, दैट्स इट। इसमें ज्यादा कुछ नहीं लगता, बाकी सारा काम मसालों का होगा, और कुछ ज्यादा नहीं करना आपको। बहुत तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। आलू इतने स्वाद बनेंगे ना कि तुम लोग याद रखोगे, समझ गए? बेबी, अरे आटा गूंदा है तो दिखाया नहीं। अरे हाँ, ये आटा भी तो गूंदा है। गूंदा कहाँ है? मतलब गूंद रहा है। अभी आपको आटा गूंद के भी दिखाऊंगी दोस्तों, मुझे आटा गूंदना आता है। बेबी, लेकिन तुम बहुत जल्दी गूंदोगे आटा, तुम्हारे मुक्कों में बहुत ताकत है, मुझे पता है ना। तो आओ दोस्तों शुरू करें आलू पूड़ी। आलू पूड़ी तैयार करने के लिए ऐसे ही करते हैं चैनल। हाँ, एकदम बेबी बहुत नकली लगना चाहिए। हाँ, अच्छा। जैसे तुम बहुत बड़ी शेफ हो। ठीक है दोस्तों, आलू पूड़ी तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत होगी एक किचन की, गैस की, और एक से आलू पूड़ी तैयार करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको चाहिए कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो कोई भी गंदी चीज आप अच्छी दिखा सकते हो सामने वाले को। प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। टेस्ट का तो खाने वाले को पता ही नहीं है ना, क्योंकि आप तो खाओगे नहीं, हमें पता है। कॉन्फिडेंस जिंदगी में क्या क्या करा सकता है। Let's start. थोड़ा मतलब घमंड से कि तुम बहुत बड़ी हो। अच्छा। जैसे मैं सिखा रही हूँ, एहसान कर रही हूँ सब पे ऐसा। अच्छा। तो जैसे देखो, आलू पूड़ी बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, जैसे मैं हूँ, मेरा नाम ही काफी है। मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं लोगों तक ये चीजें पहुंचा दूँ कि इसकी बनाने की विधि क्या है, कैसे बनेगा। मेरे ख्याल से मेरे हाथों में ही जादू है, मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, हाथ ही काफी है। अभी घमंड का मतलब कैमरे में ही नहीं देखोगी। घमंड है भाई, तो कहाँ है चीजें। आलू पूड़ी बनाने के लिए चीजें कहाँ है? आलू, अरे आलू पूरी के लिए आलू ही रहे भाई, उबाल के रखे हैं भाई। अब मैं सीरियसली आपको फटाफट बताती हूँ। मैं आपको बता दूं, बेसिकली इसको बनाने के लिए टाइम ज्यादा नहीं लगता है। 15 से 20 मिनट में मैं आपके आलू पूरी तैयार कर दूंगी, देख लेना आप, याद रखोगे। सबसे पहले मैं तेल डाल रही हूँ, क्योंकि अविनाश को सरसों का तेल पसंद है, इसलिए मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। कच्ची धनी मस्टर्ड ऑयल, ये लो मेरा तेल, ये डाला मैंने थोड़ा सा हींग, मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी राई, ये मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्च, मैं डाल रही हूँ थोड़ा लंबा कटा हुआ अदरक, ये डाल दिया मैंने इसमें लहसुन। जैसे ही थोड़ा सा हल्का सा भूरा होने लग जाए, इसमें डाल देंगे हम बारीक कटे हुए टमेटोज। ये टमाटर जैसे ही अभी थोड़ा सा पकते लग जाएगा, मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, जो कि मैं पिंक सॉल्ट यूज करती हूँ। बहुत लोग बार बार पूछ रहे हैं ये कौन सा सॉल्ट है। पिंक सॉल्ट है भाई, हिमालय का पिंक सॉल्ट, वही है, ये भी खत्म होने वाला है। मीनवाइल मैं डाल रही हूँ अब इसमें थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा अमचूर सूखा धनिया। अब आलू डालोगे ना, इसका बेस्ट वे आपको तरीका बताती हूँ क्या करना चाहिए। जितना आप चाहते हो मोटे रहे, या आप बहुत बारीक चाहते हो, या उसको थोड़ा सा लिपटमा आलू चाहते हो, तो आप इसी तरीके से इसको कर सकते हो। वहां तक पहुंचने से पहले मुझे ये ऑलमोस्ट हमारा मसाला तैयार हो गया है। तो बेबी, ये आलू दम बन रहा है क्या? नहीं नहीं, ये देखो, ये रहे आलू, इसको आप ऐसे तोड़ के और डाल दो, दूसरा आलू लो तोड़ के डाल दो, ये रहा तीसरा आलू, आ गरम है, आ ये डाल दिया, ठीक है। तो जो मैं आपको तरीका बताना चाह रही हूँ, आलू को अच्छी तरह से ना मैश कर लो, इससे बिलौना होता है ना, बिलौना जिससे दही बिलौते हैं, ये वो है। तो आपके पास कुछ और इसको थोड़ा सा प्रेस करने के लिए कोई और चीज हो तो उसे यूज कर सकते हैं, या बिलौने को यूज कर लो। मेरा बिलौना है इसमें, इसको मैं बिलो रही हूँ, मतलब बिलो नहीं रही हूँ, पीस रही हूँ। ये देखो, ये
मैं डाल रही हूँ इसमें पानी, आ जाओ इधर, ये देखो इसका खाना। अभी तो बन के बहुत स्वाद हो जाएगा, अब याद रखोगे इसको, बना के देखना घर में, बड़ा इजी तरीका है और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं इससे। ज्यादा बोलोगे क्या? मतलब लोग खा नहीं पाएंगे, उसका पूरा फायदा उठा लो, इतनी तारीफ कर दो अपने खाने की। नहीं नहीं, अभी तुम देखो, आपको ज्यादा पतले रसे वाले रखने आलू तो ये रहा पतला रसा, और आपको थोड़ा थिक करना है तो मुझे थोड़ा सा थिक अच्छा लगता है, लाइक पूरी के साथ थोड़ा सा थिक आलू हो तो बड़ा मजा आता है। ये देखो ऑलरेडी आलू का कलर देख लो जरा, अभी उबल के देखना क्या बन जाएगा ये। मतलब बनेगा तो आलू ही, ऐसा लग रहा है उबल के अंडा बन जाएगा। तो जब तक ये उबलेगा इसको बॉइलिंग पॉइंट पे लाना है, इसको 5 मिनट लगेंगे, तब तक मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपना आटा तैयार। आटा तैयार करने के लिए थोड़ा सा इसमें नमक डालिए दोस्तों, आटे में थोड़ा नमक डाल लो स्वादानुसार, और डाल लो थोड़ा सा कांगया तेल। बेबी तेल है रुआब्जा है मेरा तेल, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तेल डालना है। आटे में तेल, तभी तो खस्ता कैसे बनेगा पूरी। ये मिला दिया मैंने, अब मैं मीन बार इसको गूंद लूंगी। तुम्हारे तो नाखून खराब हो जाएंगे इससे, नाखून ऑलरेडी खराब हो गए, काटने पे आ गए हैं। जो जितने सेलिब्रिटीज लगे हुए थे ना, ओ माय नेल्स, ओ माय स्किन, सब लोग झाड़ू पोछा बर्तन कर रहे हैं। अगर लोग तुम्हारी कुकिंग वीडियोस पे थूक देते तो ये प्रोत्साहन नहीं मिलता ना मुझे। बेबी तुम्हें नहीं लग रहा तुम्हें कुछ ज्यादा प्रोत्साहन मिल गया? हर गृहिणी अपने घर में काम करती है ठीक है, लेकिन बेबी अब तो तुम ऐसे खाना बनाने लगी हो जैसे जेल में कैदियों का बन रहा हो 400-500 का। मेरे को लोगों ने प्यार दिया ना, ये प्यार कुछ भी करा सकता है। देखो ये गया थोड़ा सा और पानी, तो मैं देखो मैं कहां आटा गूंथती हूं, जब से ये मेल्स के चक्रों में पड़ी हूं मैं आटा वाटा कहां गूंथती हूं, हम लोग घर में कहां काम करते हैं। अरे हिलाओ उसको, हिलाओ बेबी, हिलाओ। मैं हिलाऊं? हां हिलाओ ना, कुछ तो काम करो। ये कैसे हिला रहे हो? और कैसे हिलाते हैं बेबी? चलो छोड़ो, बंद करो, हटो। हाँ? एक कुकिंग ब्लॉग ना तुम्हारा भी होना चाहिए, तुम्हें बनाना चाहिए, तेरा लोगों को पता तो लगे कि किस आदमी से मैंने शादी करी है। तो मैं पानी उबाल देता हूँ ना, यही है मेरी कुकिंग। मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कैसे, फ्रेंड्स इसको चाय तक नहीं बनानी आती इस आदमी को। एक अपने आप को जीवन में बचाने के लिए अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो इसको चाय तक नहीं बनानी आती। मैं सोच रहा हूँ अगर इस क्वारंटाइन में मेरी शादी नहीं होती तो क्या होता बेबी लॉकडाउन में। अरे क्या हो गया? अरे 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 कहाँ गया प्रोत्साहन, तुम तो बर्तन पटकने लगी बेबी। बनाऊंगी ना तब तुम्हें पता लगेगा मैं कौन हूँ। क्या मैं कौन हूँ बेबी? चिकनी मिट्टी है क्या, क्या बना दिया है? अभी तो गूंद रहा है ना बेबी, ऐसे नहीं बोलते, पहले से ही नहीं करते थे। तो आटा ऑलमोस्ट हो चुका है ना बेबी? इस आटे में कितनी पूरी बन जाएंगी? आराम से बनेंगी बहुत सारी, जिसमें एटलीस्ट तुम्हारा पेट तो भर जाए। भाई मैं सिर्फ 2 पूरी खाऊंगा। अच्छा, वैसे मैं काफी टाइम के बाद गूंदा आटा। ठीक है, ऐसे निशान मेरे फीट पे भी मिलते हैं, सुबह मैं उठता हूँ तो पता नहीं क्या से। हाँ, क्यों नहीं, काफी अच्छा गूंदा है। पहले पतला हो गया था, अभी फिर उसको सूखा आटा डाल के मोटा कर दिया। अभी हल्का सा तेल डाल के इसको, और तेल हल्का सा ताकि इसकी एक अच्छी शक्ल निकल के आए। बेबी तो इतना अच्छा गूंदा है, इससे लग रहा है बच्चों के खिलौने बन जाएंगे। तो ये मेरे आलू बन गए हैं, लेकिन मैं आपको इसके बाद दिखाती हूँ, एक बार पूरी बन जाए उसके बाद मैं दिखाती हूँ मेरे आलू की शक्ल कैसी निकल के आई है। सो अब बनने जा रही है पूड़ियाँ, तो पूड़ी के लिए पहले थोड़ा सा पैन, मतलब ये कढ़ाई, इसको गर्म करेंगे, तेल डालेंगे इसमें। अभी इसमें थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदें दिख रही है मुझे, जो पसीने पसीने हो गए गर्मी बहुत है। अरे अरे अरे, तो जब तक हमारा ऑयल गरम होता है तब तक हम लोग थोड़ी सी पूड़ियाँ निकाल लेंगे। ये देख लो इसका ऐसा होना चाहिए आटा, मतलब कैसा होना चाहिए आप देख लो, मेरे को यही ठीक लगा है। और लोग कहते हैं कि सिर्फ तेल लगाना चाहिए, अगर आप सूखा आटा लगाओ तो तेल खराब हो सकता है, तेल काला काला हो सकता है। आई डोंट बिलीव इन दैट। हो गया काला, क्या फर्क पड़ता है, मैं सूखे आटे से करूंगी। अरे बेबी तो एकदम गोल है। तो और क्या लग रहा है तुम्हें, क्या होना चाहिए? तो मैं भी अपनी वाइफ को क्या समझते हो, तो आप क्या करो ना इसका ना, अगर आपको लग रहा है कि सूखा आटा लग गया ज्यादा तो इसको थोड़ा ऐसे ऐसे करके साइड से निकाल दो। तो इसके बीच में हम लोग एक बार ये भी चेक कर लेंगे कि तेल गर्म हो गया कि नहीं, तो इसके लिए थोड़ी सी आटे की लोई लेके इसमें डाल दो। हो गया गर्म, एक दो और बेल लेती हूँ बेबी। एकदम तीनों की तीनों एकदम गोल 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 गोल, इतना तुम्हारा हाथ कैसे सेट है, तुम तो बनाती भी नहीं हो। पहले तो बनाती थी, मतलब इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। एक सेकेंड, टिश्यू देना मेरे टिश्यू। ये क्या हुआ, आंख में पसीना जा रहा है बेबी। थोड़ा मेकअप धुल गया। तो ये अब जा रही है पूरी तेल के अंदर। देखो ये बन गए,
अरे वाह, ये तो भटूरा लग रहा है बेबी। मैंने है पूरी, लेकिन ये फूली पूरी फट गई, पूरी फट गई। अब फटाफट सर्व कर दो बेबी। ये बना दी मैंने पूरी और अब सर्व कर देती हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहे मेरे आलू। अरे वाह बेबी, हो गए हैं, ये देख लो, बहुत बढ़िया। हुई है अभी तक दम, ये तो भटूरे लग रहे हैं। तो ये रही पूरी और आलू की सब्जी और अब खाएगा ये मेरा बेबी और मुझे बताएगा कि कैसी बनी है। अच्छे हो, नवरात्रि का फील आ गया पूरा का पूरा। अच्छा लगा? वाह बेबी क्या टेस्ट है, पूरी कितनी टेस्टी है। अच्छी लगी? नॉर्मल चीजें जो सबको पसंद ही आएगी। और अब ये बाइट मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, ये लो दोस्तों मेरे हाथ का पूरी आलू। तो दोस्तों ये पूरी आलू इतना अच्छा बना है, मैं आपको क्या बताऊं। संभावना हमेशा गणपति में ही बनाती है, आज पहली बार ऐसा मौका आया कि किसी और अवसर पे संभावना ने पूरी आलू बनाया है, ओनली बिकॉज ऑफ यू गाइस। तो अभी मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं फटाफट पूरा का पूरा खाना चाहता हूं। तो आप लोग जरूर बताइएगा आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा पूरी आलू बनाने का संभावना का। एंड टिल देन प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। बेबी क्या बनाया? सरसों के तेल की वजह से हुआ क्या? I don't know.